आपने 9 अक्टूबर 2021 को, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है, एक बयान दिया था, आपने एक परिवार एक टिकट की बात की थी, तो क्या भाजपा इस बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनाव लड़वाएगी, क्योंकि आपने 75 वर्ष का भी एक क्राइटेरिया रखा है, उनकी आयु 78 वर्ष हो चुकी है। देखिए, आप मुझे याद दिलाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन हम सब लोग बहुत सजग रहते हैं इन चीजों के बारे में, इसलिए हम जो भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नड्डा साहब, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स काफी बढ़ रहे हैं, जीएसटी के अंदर लाने का प्रावधान था जब जीएसटी काउंसिल बनी थी, उस तरफ कुछ बढ़ा जा रहा है? देखेंगे, जो सरकार इस बारे में सोचेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोचेगी। जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं एक ही भ्रम दूर कर देता हूं कि भारत सरकार का एक वोट है और बाकी सब के स्टेट्स का एक एक करने के लिए मैं इसको कर रहा हूं। बहुत सारे राज्य हैं ओल्ड पेंशन को लेकर अब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, आपके ध्यान में भी है। हिमाचल सरकार ने एक कमेटी बना रखी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, क्योंकि डिमांड यहां भी तरह की आई तो, लेकिन बीजेपी की सरकारों को शायद दिक्कत यह आ रही है कि जब तक दिल्ली से या फिर आप लोगों की तरफ से कोई क्लैरिटी ना हो, शायद एक राज्य में करेंगे तो दूसरे राज्य में उसका इम्प्लीकेशन होगा, तो पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समस्या का को जानना, निवारण करना, ये पार्टी का और सरकार का धर्म है। और मोदी जी, जैसा मैंने कहा, इज ए प्रो एक्टिव एंड ए प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, तो ये तो है ही। लेकिन मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने आज दिन तक सिवाय राजनीति को कुछ और सीखा ही नहीं। हर चीज में राजनीति। जब हम ऐसी समस्याओं को लेकर के करते हैं तो हमको ऑल सारे परिपेक्षों को देख करके हमको वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। ऑफकोर्स वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, तो वी विल बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन आपने जो जिन स्टेट्स की बात की, तो उनसे खाली पूछ लीजिएगा ना कि हम लोगों ने तो पेट्रोल डीजल के लिए वैट स्टेट्स ने भी घटा दिया, और उन्होंने उस समय से अभी तक कितना कमाया ये हमने परसों अपने स्टेटमेंट में बताया ना, 4,000 करोड़ रुपीज कमा गए। तो हम ये लोग राजनीतिक दृष्टि से चीजों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये दीगर बात है कि आपका आशीर्वाद मिलता है इसलिए अंत में उनको नुकसान होता है और हमको लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम इन सारी चीजों को गहराई से देख करके करेंगे। सर, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बीजेपी ऑन ओपीएस? मैंने कहा ना आपको, इट इज नॉट अ स्टैंड लाइक जैसा आप कह दी इट इज डन डाई। यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन एंड देन कम टू द कंक्लूजन एंड वी विल कम टू यू। नॉट जस्ट आप मनीष सिसोदिया, बट इवन अदरवाइज देयर इज स्पेकुलेशन अबाउट चेंज इन चीफ मिनिस्टरशिप। ऐसी कोई इसकी कोई भी संभावनाएं नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है, और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। सर, आपने अभी उत्तर प्रदेश में डेप्टी सीएम जो थे मौर्य, उनको हारे हुए को दोबारा से डेप्टी सीएम बनाया, और उत्तराखंड में आपने धामी जी को रिपीट किया, तो हिमाचल में भी ये सवाल उठ रहा है कि 2017 में धूमल आ रहा है। सभी चीजें गुण दोष के आधार पर तय होती है ना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना, इतना तो छूट दे दीजिए। अपनी हार की जांच की बात कर रहे हैं कि जब उनकी जांच, ठीक है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है ना। ऐसा है ना, मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं?